ये सारी चीजें जो हो रही है इस देश में वो सीधा सीधा यहाँ के बहुजन वर्ग के खिलाफ है। बहुजन वर्ग कौन? यहाँ की महिलाएं, दलित, आदिवासी और जो भी डिप्रेस्ड ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है उन सब। अरे उस महिला के साथ रेप हुआ है, क्या तुम उसके रेप में अपनी इज्जत देख रहे हो? एक महिला को सताया गया, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। वो जो रेपिस्ट लोग वो नहीं सोचते, पता नहीं क्या उस लोग अपने दिमाग में सोचते होंगे जब ये करते होंगे, एक्सट्रीम लेवल पहुंचते होंगे। मैं तो सुनकर ही मेरी रूह कांप जाती है जब ये सारी खबरें सुनता हूँ। और आजकल ये सरकारें उन खबरों को दिखाना बंद कर दिया है, छुपाने लगे। जागरूक अभियान की जरूरत है कि हमको बताना होगा कि जो रेप जो हो रहा है वो महिला के खिलाफ हो रहा है, किसी की इज्जत के खिलाफ नहीं हो रहा। ये सरकार कब महिलाओं के साथ है, कब मुसलमानों के साथ है, कब दलितों के साथ है, कब आदिवासी के साथ? 85% जनसंख्या को दबाने की जैसे जैसे कोशिश कर रहे हैं लोग, उनको मेनस्ट्रीम मीडिया को ये सब नहीं दिख रहा। क्योंकि देखना पड़ेगा कब आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति बन चुके हैं ये लोग, दलित आदिवासी राष्ट्रपति बन गए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राज्य के राजा लोग हैं, इनको सिर्फ सत्ता का मजे लेने, कुर्सी का मजे लेने। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज़। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशुतोष जी मौजूद हैं, तो इन्हीं से हम बात करेंगे। जिस तरीके से 31 तारीख को शाहजहांपुर में 16 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया, उसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया था, तो उसी पे हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस पूरी जो रेप हुआ है उनका, 16 साल की बच्ची का, दलित बच्ची थी, उसका रेप किया गया? देखो, बड़े ही मतलब समझ नहीं आता कि 16 साल की एक छोटी बच्ची, उसके साथ तीन लोगों ने गैंग रेप किया है और वो दलित है कास्ट से। देखो, बात ये बार बार ये कोशिश है कि जब रेप होता है इसका, उसके आगे कास्ट क्यों बोला जाता है। मैं इसमें आपके चैनल के माध्यम से ये बात क्लियर कर दूं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये दलित लोग हैं, इनके साथ ना सरकार है, ना इनके पास रिसोर्सेज, ना पैसा है, तो ये कमज़ोर लोग हैं, इनके साथ जो करना है कर लीजिए। तो जो इस मानसिकता वाले लोग हैं, हम उनको चेतावनी देते हैं आपके कि बोलते हैं कि ये मानसिकता अपने दिमाग से निकालो कि क्यों सिर्फ और सिर्फ जहाँ एक योगी जैसा व्यक्ति आके मुस्लिम महिलाओं के लिए कहता है, जहाँ ऐसे ऐसे लोग आकर दलित महिलाओं के बारे में बार बार बोलते हैं, तो ओवरऑल जो ओप्रेस कम्युनिटी की महिलाएं हैं उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोग आके बोलेंगे इस बारे में, कुछ जर्नलिस्ट भी कुछ सवाल पूछेंगे कि अपर कास्ट महिला के साथ भी ये हुआ। मतलब अपर कास्ट महिला के साथ जब सब ये हुआ तो उसके साथ उसकी सरकार है। ऐसा ही मतलब फिरोजाबाद का मामला था कि दलितों ने ही रेप करा था, तो उस पर आपने क्यों? बिल्कुल, देखो फिरोजाबाद का जो मामला था उसमें हमने एकदम उसके खिलाफ इसी दिल्ली उच्च न्यायालय में आवाज़ उठाई। आप चाहे देख लीजिएगा मेरे अकाउंट पे जाके, इंस्टा अकाउंट पे जाके बोल लीजिए। लेकिन बात यह है कि जब फिरोजाबाद में जो मामला हुआ, जो लड़की अपर कास्ट महिला थी, लेकिन वो महिला थी पहले, तो हमारा हम इस चीज़ के उनके साथ हैं, लेकिन उसके साथ उसकी सरकार हुई, तुरंत उसको जेल हुई, पकड़ा गया, उस रेपिस्ट की जात भी पता चल गई, सब कुछ पता चल गया क्लियर। विद इन शायद बहुत कम समय में लगा जब उसको जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन दूसरी ओर जब मनीषा वाल्मीकि जैसे केस आता है, बिल्किस बानो जैसा केस आता है, तो देखिएगा कि एक साल बिल्किस बानो का, तो उनके रेपिस्टों को छोड़कर 12 रेपिस्टों को छोड़कर उनकी स्वागत किया गया। मतलब ऐसी मानसिकता अपन अपनी। और फिर दूसरी साइड देखिएगा हाथरस वाला केस, मनीषा वाल्मीकि वाला केस, एक साल डेढ़ साल हो गया, दो साल हो गया, उसके बाद क्या जजमेंट आता है? सिर्फ एक को, वो भी रेप के मामले में, हत्या के मामले में फंसाया गया है, और रेप तो किसी ने किया नहीं है, गैंग रेप तो हुआ नहीं, ये सब स्टेटमेंट आ गया। उस बेचारी उस दलित महिला को जला दिया गया उसके मरने के बाद, बिना उसके घर वालों को इन्फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इस देश में वो सीधा सीधा यहाँ के बहुजन वर्ग के खिलाफ है। बहुजन वर्ग कौन? यहाँ की महिलाएं, यहाँ के मुस्लिम, दलित, आदिवासी और जो भी डिप्रेस्ड ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है उन सब। लेकिन कहते हैं मतलब हर 15 मिनट में रेप होता है, तो कहाँ तक पता चल पाता है? किसी का तो पता ही नहीं लग पाता है कि रेप हुआ है। देखो, ये तो वो डेटा है जो आ जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कम से कम 80% डेटा आते ही नहीं है, उनकी FIR दर्ज नहीं होती है। ये तो जैसे जैसे संघर्ष करके लोग FIR तक पहुँच जाते हैं। मेरे साथ कुछ हुआ इस दिल्ली विश्वविद्यालय में, किसी ने मुझे जातिवाद पर मुझे कमेंट की, अभी तक FIR लॉन्च नहीं हुई है। मतलब मैं तो इतना मुखर रूप से, इतना कुछ झेलने के करने वाला इंसान, जब मैं इतना मुखर रूप से इंसान लेख लॉ का स्टूडेंट होने के बावजूद भी मेरी FIR नहीं हुई पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से, तो एक गाँव में एक दलित महिला का कैसे ये लोग FIR करते होंगे, बहुत बड़े संघर्ष की बात है ये। लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जिनका रेप होता है, लेकिन वो शर्म के मारे सामने नहीं आते हैं कि समाज क्या कहेगा। एग्जैक्टली, वो समाज जो इज्जत जो होती है, अरे उस महिला के साथ रेप हुआ है, क्या तुम उसके रेप में अपनी इज्जत देख रहे हो? एक महिला को सताया गया, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। मेरे रूप परिवार ही साथ नहीं देते, तो महिलाएं कैसे आगे बढ़ेंगी? कैसे? देखो, इसके लिए तो आंदोलन की जरूरत है, जागरूक अभियान की जरूरत है कि हमको बताना होगा कि जो रेप जो हो रहा है वो महिला के खिलाफ हो रहा है, किसी की इज्जत के खिलाफ नहीं हो रहा।
महिला को उसके पूरी ज़िंदगी के लिए ट्रॉमा शायद उसको तभी मारने पर मजबूर कर दे, वो रेप है। वो जो रेपिस्ट लोग वो नहीं सोचते, पता नहीं क्या उस वक्त अपने दिमाग में सोचते होंगे जब ये करते होंगे, एक्सट्रीम लेवल पहुँचते होंगे। मैं तो सुन के ही मेरी रूह कांप जाती है जब ये सारी खबरें सुनता हूँ। और आजकल ये सरकारें उन खबरों को दिखाना बंद कर दिया है, छुपाने लगे हैं। शायद शाहजहाँपुर की खबर आज दिल्ली से हमारे वहाँ के साथियों ने बताई, तब आज हमने ये मुद्दा उठाया। मुझे लगता कि ज़्यादा मेन स्ट्रीम में छापा है इसको। मैं तो कल देख रहा हिंदू एक दो अखबारों ने सिर्फ एक दो आर्टिकल छापे हैं, उस पर मुझे लगता आज के सुबह के अखबार में उसको एक छोटा सा कॉलम में दिखा दिया गया होगा, सिंपल ऐसा। और वहीं इधर देखा जाए तो डॉक्टर रितु सिंह का भी मुद्दा बहुत उठ रहा है। उनको मतलब कह रहे हैं कि 60 दिन से ऊपर हो गया है उनको, 66 दिन हो गया लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है, तो उस पर क्या कहेंगे फिर? देखो डॉक्टर रितु, तभी तो मैं डॉक्टर रितु जैसी महिलाओं को सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि ऐसी महिला एक तो महिला होने के बाद, एक दलित होने के बाद भी अपनी लड़ने का जज्बा कायम रखे हुए हैं। हम लोग आप देख रहे हो पहले दिन से मैं डॉक्टर रितु के साथ हूँ, हर मोमेंट में, हर कैंपेन में, हर जगह डॉक्टर रितु के साथ हूँ। और तो ये मतलब ऐसे जो आंदोलन चलते हैं जिसका जिसको एक महिला लीड करती है, चाहे वो कोई भी जाति से आती हो लेकिन एक दलित महिला लीड करती है, महिलाएं जो जिस ओवरऑल लीड करती हैं उन आंदोलन पे हमको बिना कंडीशन साथ देना चाहिए। डॉक्टर रितु का संघर्ष उनका जाय संघर्ष है, उनके हम उनके साथ खड़े हैं। एक स्टूडेंट एक प्रोफेसर के साथ खड़ा है, एक स्टूडेंट लीडर एक दूसरे लीडर के साथ खड़ा है। तो आप लोगों ने सरकार से अपील नहीं की इसके बारे में? 64 दिन हो चुके हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर सविता रॉय को मतलब अभी तक निकाला नहीं गया है। आपका ये सरकार से अपील कैसे? मतलब आप कहते हो कि सोशल सरकार करे, मुझसे अपील करेगी हमको? अरे इसका ओवरऑल ये डॉक्टर सविता रॉय कौन है? ये प्रिंसिपल संघ की पूरी एकदम सबसे प्राइमरी मेंबर है संघ का। ये वाइस चांसलर कौन है? ये आज की इस साल की वाइस चांसलर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सारे संघ के मेंबर क्यों बनाए जा रहे हैं? तो सब कुछ इन लोगों के थ्रू सरकार ही कर रही है ना, हमको दबा रही है। डॉक्टर रितु एक मुखर आवाज थी, मैं एक मुखर आवाज हूँ, तो हम जैसे लोगों को तो मारने का काम कर रही है लोग, लेकिन हम भी लड़ने का रास्ता चुन लिया है। लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि वो मदद कर रही है, लोगों की सुरक्षा पे ध्यान दे रही है, रोजगार पे ध्यान दे रही है। देखो कहना और करना बहुत अलग बात है। आप तो समझ रहे हो, आप और मैं समझता हूँ कि आप जैसे जर्नलिस्टों को मैं मतलब सीरियसली बहुत ईमानदारी से सैल्यूट करूँगा, क्योंकि आप सारी बातें समझते हो कि सच में क्या मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसी कुछ खबरें देखने मिलती हैं क्या? ऐसी क्या मणिपुर में जो हुआ वो भी बेटी को साथ क्या वो मेन स्ट्रीम मीडिया में देखी? साक्षी मलिक और जो रेसलर थे वो भी महिला के साथ हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत कम दिखाया, वो भी दिखाया इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से। तो ये सब जानना पड़ेगा, हमको समझनी पड़ेगा कि ये सरकार कब महिलाओं के साथ है, कब मुसलमानों के साथ है, कब दलितों के साथ है, कब आदिवासियों के साथ। वही जिस तरीके से जो मीडिया है वो इसराइल और फिलिस्तीन जा रही है और वहीं मणिपुर नहीं जा रही है, मतलब ये देखना पड़ेगा कि उनको पैलेस्टीन और इसराइल बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। हमारे देश में हमारे देश के लोगों को मारा जा रहा है, हमारे देश के तमाम आम मुसलमानों को मारा जा रहा है, हमारे देश में आदिवासियों को मारा जा रहा है, हमारे देश में दलितों को मारा जा रहा है, महिलाओं को, मतलब 85% जनसंख्या को दबाने की जैसे जैसे कोशिश कर रहे हैं ये लोग, उनको मेन स्ट्रीम मीडिया को ये सब नहीं दिख रहा। और जब इसराइल पैलेस्टीन आया वो सब एकदम वहाँ पहुँच गए कवर करने, मतलब कितनी शर्म की बात है ऐसी मीडिया पर और ऐसे लोगों पर जो मणिपुर न जाकर पैलेस्टीन इसराइल चले जा रहे हैं। लेकिन वही जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है उनको तो मंदिर तक में नहीं जाने दिया था कि वो आदिवासी हैं, तो हम तो फिर भी मतलब आम समाज के लोग हैं, तो हमको कहाँ तक न्याय मिल पाएगा? देखो एक महिला इसलिए सम्मान है क्योंकि देखना पड़ेगा कब आदिवासियों के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति बन चुके हैं ये लोग, दलित आदिवासी राष्ट्रपति बन गए, ये टोकनिज्म जो बीजेपी सरकार खेल रही है और ये लोग उनके पियादे बने हुए हैं, इनको नहीं फर्क पड़ता कभी दलित नहीं हो सकता, आदिवासी नहीं हो सकता, ये लोग सिर्फ और सिर्फ राज्य के राजा लोग हैं, इनको सिर्फ सत्ता का मजे लेने, कुर्सी का मजे लेने, और इससे बियॉन्ड इनसे उम्मीद रखना बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से देखा जाए तो विदेशों में, जहाँ अमेरिका में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनका मतलब प्रतिमा का अनावरण हुआ है, लेकिन वहीं देखा जाए वहाँ के लोग इतना सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर इंडिया में देखा जाए तो उन्हीं लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार होता है, दलितों के साथ बुरा व्यवहार होता है, कहाँ तक सही है ये? हमको जानना पड़ेगा अंबेडकर, मतलब क्योंकि लोग पढ़े लिखे लोग अंबेडकर को जानते हैं कि अंबेडकर को ये लोग जैसे दलितों का बना के छोड़ दे, कि अंबेडकर वही व्यक्ति जो हिंदू कोड बिल लाकर तमाम महिलाओं को आज़ादी दे दी, अंबेडकर वही व्यक्ति जो तमाम ऐसे ऐसे जो राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी, ऐसे ऐसे एक्ट लाकर तमाम यहाँ के शोषित वर्ग को आज़ादी मिल गई। तो आज़ादी पूर्ण रूप से नहीं मिली है, वो हमारा संघर्ष जारी है, अंबेडकर ने बोला संघर्ष करना पड़ेगा हमको। तो अंबेडकर जैसे व्यक्ति को ये लोग नकार दे, सावरकर जैसे लोगों को, जो सावरकर बोलता है कि अगर पॉलिटिकल यूज़ के लिए मुस्लिम महिलाओं को रेप करना जायज़ तो करेंगे हम लोग, ऐसे व्यक्ति को ये लोग अपना आइडल मान रहे हैं,
इस दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर घर में सावरकर की फोटो लगी होगी, इस स्टूडेंट यूनियन डूसू में सावरकर की फोटो लगी होगी, मेरे हिंदी डिपार्टमेंट में सावरकर की फोटो, मतलब इतना रेपिस्ट मेंटेलिटी का व्यक्ति की तुम पूजा कर रहे हो। और अम्बेडकर द आइडिया एक ऐसा द नॉलेज द सिंबल ऑफ लिबरेशन द सिंबल ऑफ नॉलेज द सिंबल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग अगेंस्ट दैट ऑपरेशन, ऐसा व्यक्ति को तुम नकार देना, ये लोग बहुत बड़े। हम तो कहते हैं आज भी कि हमारे पास ऐसा सिंबल, हमारे पास एक ऐसा नाम है जो इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति किसी भी कम्युनिटी के पास नहीं है, अंबेडकर। हम प्राउड करते हैं कि अंबेडकर ऐसा व्यक्ति इस देश को बहुत बड़ा बहुत चीज़ दे के गए। तो ये से हमारे साथ आशुतोष जी, हमने इनकी बातें सुनी किस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन करा, जो शाहजहाँपुर में 16 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ उनके लिए भी प्रदर्शन करा है और भी ये प्रदर्शन करते रहते हैं। तो इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और देखते रहें जनता आवाज़।